अपनी ही मासूम बेटियों के सामने पिता ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का कदम उठाया था, जहां मासूम बच्चियों ने हिम्मत दिखाकर परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद उन्हें इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आज उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। खरगोन जिले के महेश्वर तहसील में आने वाले महगांव में रहने वाले गणेश केवट ने अपने 3 मासूम बच्चियों के सामने जहर पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन बच्चों ने तुरंत परिजनों को सूचना दी और परिजन गांव में पास के अस्पताल में ले गए। उसके बाद हालत नाजुक होने के चलते उन्हें इंदौर लेकर पहुंचे। अस्पताल में 2 दिन उपचार चला, लेकिन आज उनकी मौत हो गई। परिजनों ने कोई कारण तो नहीं बताया, लेकिन यह बात सामने आई है कि मृतक की एक बेटी अपने माँ के साथ मायके में थी और उसी को लेकर मृतक मायके गया था, लेकिन वहाँ नहीं आई। परिजनों ने कोई कारण तो नहीं बताया, लेकिन यह बात सामने आई है कि मृतक की एक बेटी अपनी माँ के साथ मायके गई थी, उसी को लेने मृतक वहां गया था, लेकिन वह उनके साथ नहीं लौटी। इसी बात को लेकर मृतक पिता तनाव में था। फिलहाल इंदौर की जूनी इंदौर पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की जांच शुरू की है। उम्र थी 33 साल। कहाँ रहते थे ये? बहगांव। इंदौर में कहाँ रहते थे? इंदौर में महेश्वर से। तो इंदौर भर्ती कर रखा था क्या? हाँ। क्या हुआ था? परिजन का। क्यों, कुछ कारण? कारण क्या हुआ, घर पे अकेले थे, कोई सारा बड़ा फिर थी देखी टेंशन के हमारे के लिए। किस बात का टेंशन? अब होगा, उनको कुछ अलग रहते थे। खेती वेती थी क्या इनकी? नहीं, खेती वगैरह। क्या काम करते थे? काम करें, ट्रैक्टर चलाते। ट्रैक्टर चलाते थे। परिवार में बच्चे, बीवी? 4 बच्चियाँ। वो कहाँ रहते थे? वो भी यहीं पे रहते। अच्छा, कुछ कारण आया सामने का इसलिए लगाया? अभी कुछ नहीं। तो कोई परेशानी चल रही थी पहले से, कोई बीमारी या कोई? नहीं नहीं, कुछ इसे ही खा लिया जाए। तो आपका परिवार बाकी इंदौर रहता है? नहीं, बेगाँव। बेगाँव आप?